ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज हुई वाला एक गाना विवाद में आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पुजारी और संत समाज के द्वारा ये गाना के विरोध की जाला है। संत समाज के द्वारा विरोध दर्ज करवाए के कहा जाला है कि बादशाह ये गाना खले के अब माफी मांगा, नहीं तो उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो सकती थी। दरअसल ये गाना में रैपर के द्वारा भगवान शिव के नाम के इस्तेमाल की इनका है और ये गाना में कुछ लाइन ऐसे नहीं जो उनके साधु संत के समाज के मुताबिक लाइन जो नहीं आपत्तिजनक है और इनका भगवान शिव के साथ बता दें कि गावागा है जैसे भगवान के नाम हटावे के मांग जोर पकड़ लाइबे। तो बुंदे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सर्वजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि फेमस रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज होने वाले एल्बम सनक के गाना विवाद में आएगा है। गाना में अश्लील शब्द के साथ भोलेनाथ के नाम के इस्तेमाल करे पर उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी और संत समाज के द्वारा विरोध जतावागा। रैपर का चेतावनी दे के गाना से भगवान के नाम हटावे के और माफी मांगे के बात कही गई। दरअसल फेमस रैपर बादशाह के एक एल्बम सनक के गाना रिलीज हुआ है और गाना के बोल कले के साधु और पुजारी समाज के द्वारा आपत्ति जताई गई है। क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज और महामंडलेश्वर संत शैलेशानंद समेत महाकाल के पुजारी महेश गुरु के द्वारा गाना के विरोध किएगा और कहागा कि सिंगर बादशाह के द्वारा अपन लोकप्रियता हासिल करने के लाने आस्था के साथ खिलवाड़ किए गए। रैपर के द्वारा अपने गीत पर भगवान भोलेनाथ के साथ अश्लील शब्दन के इस्तेमाल किएगा है जेकर विरोध करा था। संतन के द्वारा यह कहागा कि आखिर ऐसा काहे होत है कि हमेशा एक धर्म के देवी देवतन के ऊपर टिप्पणी की जाती है। सिंगर बादशाह के द्वारा लोकप्रियता हासिल करे खातिर अश्लीलता के तमाम हद पार कई दिन गई है। मामले में साधु संत समाज के द्वारा सेंसर बोर्ड पर घलाए सवाल उठावागा, उनके द्वारा कहागा कि आखिर ये पूरे मामले में सेंसर बोर्ड के द्वारा चुप्पी काहे साधी है। संत और बाबा महाकाल के पुजारी के द्वारा रैपर बादशाह का चेतावनी दे के गाना से भगवान के नाम हटावे और माफी मांगे के बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि अगर सिंगर बादशाह के द्वारा यमी नहीं की जाए तो थाने में एक के खिलाफ बता दें कि FIR दर्ज करवाई जाए। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।